से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज जिस हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है रेडिको खेतान। हम एक वेबसाइट पे झलक मार कर देख लेते हैं। थिंक ऑफ लिक्विड इन इंडिया एंड वन नेम दैट विल डेफिनेटली क्रॉस योर माइंड इज रेडिको खेतान, विच टुडे स्टैंड्स टॉल अमंग्स द की प्लेयर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द इंडियन स्पिरिट्स इंडस्ट्री। इट वॉज फॉर्मली नोन एज रामपुर डिस्टिलरी, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1943। डॉक्टर ललित खेतान अलॉन्ग विद हिज फादर बॉट रामपुर डिस्टिलरी इन 1972 टू रन इट एज अ बॉटलर फॉर अदर्स स्पिरिट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली बिजनेस। इन 1999 रेडिको खेतान डिसाइडेड टू लॉन्च एंड मार्केट इट्स ओन ब्रांड्स विद डिफरेंट न्यू कॉन्सेप्ट्स टू इंडियन मार्केट प्लेस। रेडिको खेतान बिकम द फर्स्ट कंपनी टू कॉन्सेप्टलाइज द इनोवेटिव आइडिया ऑफ ऑफरिंग स्कॉच ब्लेंडेड विस्की एंड द फर्स्ट कंपनी टू पोजिशन 8 PM जो उनका बेसिक ज़बरदस्त ब्रांड है एज इंडियाज प्रीमियम विस्की। टूडे रेडिको खेतान ऑपरेट्स 3 डिस्टिलरीज एंड 1 JV विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 150 मिलियन लीटर्स। इट ऑल्सो हैज 33 बॉटलिंग यूनिट्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो ये था उसका शॉर्ट में ब्रीफ दोस्तों। आइए हम उसके ब्रांड्स के बारे में देख लेते हैं, फिर हम मोटा मोटी उसके फंडामेंटल्स के बारे में चेक। देखिए उनका ये जो ज़बरदस्त हिट ब्रांड है 8 PM विस्की, मतलब रात 8 बजे के बाद दिमाग की घंटी बज जाती है। जो लोग इसका सेवन करते हैं वो बेहतर तरीके से इसके ब्रांड्स के बारे में जानते हैं, इसके प्रोडक्ट्स की कितनी वैरायटीज़ होती हैं वो जानते हैं। देखिए मैजिक मोमेंट्स वोडका ज़बरदस्त इनके ब्रांड्स है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि चाहे दारू हो, चाहे शराब उसे कह लें, चाहे उसे जो भी कहें आप, दवा कह लें, औषधि कह लें, ये सदियों से, ज़माने के काल से, सुरा नाम सुना होगा, देवताओं के समय से भी इसके बारे में उल्लेख है कि ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। लोग पीने वाले शौकीन जो इसके हैं वो पीते रहते हैं, तो उनको बेहतर पता है इसके ब्रांड। और ये जो कंपनी है कभी नहीं बंद होने वाली है। अगर आज़ादी के पहले से शुरू ही है तो बाद में भी ये चलती ही रहेगी। चलिए बढ़ते हैं। देखिए रेडिको खेतान BSC पे आज जो है 1 अप्रैल 2019 है और 1 बजे हैं। 401.45 रुपये पे करंट भाव पे चल रहा है, 6.20 रुपये की बढ़त के साथ। 52 वीक लो जो था 297 रुपये, हाई बनाया था 499, मतलब 500 रुपया। रेडिको खेतान में सेंटीमीटर में लोग 31% कह रहे हैं कि बाई, 64 कह रहे हैं सेल, 5% होल्ड। ये तो उनका अपना व्यू। देखिए यहाँ पे स्टैंड अलोन में मार्केट कैप है 5,365 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर है 13.73 रुपये का, P 29 की है और इंडस्ट्री P है 63 की, इससे काफ़ी कम है। और डिविडेंड भी पे करती है और फेस वैल्यू है 2 की। हम बैलेंस शीट पे आते हैं, सबसे पहले हम कर्ज़ा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 522 करोड़ रुपए का इन पे कर्ज़ा यहाँ पे दिखा रहा है। आइए देखिए एवरेज क्वालिटी कंपनी है, मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और सेल्स ग्रोथ है 7.63 की, EBIT ग्रोथ है 14.50 की, ROCE है 17.96% की, ROE है इसका 14.99% की, और फेयर वैल्यूएशन पर भी ये ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड वेरी पॉजिटिव, स्कोर है 23 का। और रिटर्न पे देखिए चलते हैं, तो रिटर्न पे देखिए कहीं भी आपको लाल के निशान नहीं मिलेगा। लोग पीते ही जा रहे हैं, लोग पैसे कमाते ही जा रहे हैं। 10 सालों में इसने दिया है 521% का रिटर्न, 5 सालों में 175% का रिटर्न, 4 सालों में इसने दिया 346% का रिटर्न, 3 सालों में इसने दिया 316% का रिटर्न, और 2 सालों में 192% का रिटर्न, करीब 200% के आसपास। 1 साल में दिया इसने 21% का ज़बरदस्त रिटर्न, ईयर टिल डेट में 0.41% का रिटर्न, 6 मंथ में 18.28% का रिटर्न, यहाँ पे ज़बरदस्त है, 3 मंथ्स में 0.0% का रिटर्न, 1 मंथ में 5%, 5.5% का रिटर्न, 1 वीक में 1.90% का रिटर्न, और 1 डे में आज भी 1.75% की बढ़त पे। तो रिटर्न इसके अच्छे ही, बहुत कंपनियां ऐसी होती हैं कि आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए डाले तो कभी कभी 50,000 भी हो जाते हैं, लेकिन इसने कम से कम आपका 500% रिटर्न तो दिया, 550 के करीब, कम से कम 5 गुना कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। देखिए अभी दिसंबर 18 का और दिसंबर 18 के जो क्वार्टर में सेल्स, नेट सेल्स हुई है
यहाँ पे सितंबर 18 में थी 1906 करोड़ की और बढ़ के हुई है दिसंबर में 2058 करोड़ की, जो कि 7.99% की अपसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे 4.48% की अपसाइड है, नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 5.16% की अपसाइड है। मार्जिन भी यहाँ पे सेम ही है, थोड़ा सा नेगेटिव में दिखा रहा है, 0.16% की। अब शेयर होल्डिंग में 40% के आसपास इनके प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है उसमें से इनके पास करीब 4.5% शेयर इन्होंने गिरवी रखे हुए। देखिए अभी क्या होता है कि शेयर्स जो लोग गिरवी रखते हैं कई पैसे वैसा उठाने उठाने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये जो शेयर्स गिरवी रखते हैं एक टाइम के बाद धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, ऐसा मैंने कई कंपनियों का देखा, वॉच जो किया। लेकिन खैर अभी बहुत छोटी इन्होंने होल्डिंग रखी हुई है गिरवी, कोई बात नहीं। म्यूचुअल फंड्स की जो 11 स्कीम्स में यहाँ पे पैसे लगा रखे और FIIs 153 है, मतलब ज़बरदस्त पीने वाले लोग भी शौकीन हैं। एनीवेज भरोसा है इनको इस कंपनी पे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्डिंग है 20.66% की, और देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी बढ़त इंक्रीज़ की है, अदर DIs ने भी 0.28% की इंक्रीज़ की है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी जो है होल्डिंग इंक्रीज़ की हुई है। ₹1 पर शेयर के हिसाब से इसने लास्ट टाइम 2018 में जो डिविडेंड दिया था अच्छा किया, इन्होंने डिविडेंड पेइंग कंपनी है और अपनी इंडस्ट्री में 4th नंबर पे है। मिड कैप कंपनी बेवरेजेस से है और रेडिको इसका हाउस है और 1983 से काम कर रही है। दोस्तों मुझे लगता है कि एक समझ गए होंगे कि जो एक कंपनी के बारे में बात कर रहा था कि दारू से रिलेटेड कंपनी है और इसके अलग अलग अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, ज़बरदस्त है और इनकी डिमांड बनी रहती है। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, हर मौसम में लोग पीते हैं, ठंडे प्रदेशों में भी पीते हैं और कुछ स्टेट्स में बैन भी है, जैसे कि बिहार में रिसेंटली अभी बैन हुआ था, गुजरात में भी। लेकिन होता क्या है कि कितना ही बैन हो जाए पीने वाले तो पीते ही हैं कैसे भी करके, तो डिमांड इनकी बनी रहेगी और वर्ल्ड वाइड जो चाहने वाले लोग हैं, दारों के शौकीन हैं, तो उनकी वजह से कंपनियां फलती फूलती रहेंगी और अच्छा रिटर्न भी देती रहेंगी। जो लोग चाहें तो कुछ इसमें से देख लें अपने हिसाब से, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है और मैं इसे किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ कि आप खरीदें या ना खरीदें, बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। चलिए कोई भी स्टॉक खरीदने और बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर मशवरा कर लें, ये एक डिस्क्लेमर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।